और ग्रीन। और अभी आपने और भी मीटिंग करी है, तो उसमें आगे क्या फर्दर डेवलपमेंट करने वाला है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो जिम्मेदारी दी गई है कि जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2024 जो एक सरकार के द्वारा भारत की पार्लियामेंट में पेश किया गया था, क्योंकि उसको गवर्नमेंट की पहल पे जेपीसी को रेफर करना। अब जेपीसी में हमारे 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सभी मुख्तलिफ पार्टियों के लोग, और उसमें हमारी बैठकें शुरू हो गई हैं और काफ़ी तफसील से हो रही हैं। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें जो लोगों के राय हैं, जिस बात है, और हम लोगों की कोशिश है कि फेयर एंड फेयर डिस्कशन करके एक अच्छी बेहतरी के लिए, क्योंकि वक्त का क्या है कि वक्त की प्रॉपर्टी कोई डोनेट करता है, तो इसलिए रिलीजियस पर्पजेज के लिए, चैरिटेबल पर्पजेज के लिए, पायस पर्पजेज के लिए, और ये कि आम आदमी को उसका लाभ मिले, खवातीन को, बहनों को, पसमानदा को, गरीबों को, या एजुकेशन को, हेल्थ को, जैसा हमारे कहा। मैं खासतौर से मैं शुक्रगुजार हूँ अपने लखनऊ में आज यहाँ पे उलमाए इकराम से मिलने का, जिसमें मौलाना खालिद फिरंगी साहब ने हमें मौका दिया, और मुझे लगता है कि सब इस्लामिक स्कॉलर्स हैं और लोग तरफ से एक मुझे प्रतिवेदन भी दिया गया है इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 पे। तो मैं इस प्रतिवेदन को अपनी कमेटी के सामने भी रखूंगा और जो बातें हैं उसको वहाँ पर डिस्कस हम करेंगे तफसील में, और मैं मदऊ भी करूंगा कि हमारी उस कमेटी के सामने जो हमारी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, क्योंकि लखनऊ में बड़ा है ये इस्लामिक सेंटर जहाँ मैं आज आया हूँ, और जहाँ प्रदेश की मरकज राजधानी में यहाँ पे इस्लामिक मदरसे से हमारी नुमाइंदगी थी अतीक बसवी साहब के, मौलाना बहुत ही स्कॉलर लोग थे, तो यहाँ पे महात्मा गांधी आया करते थे, जंग आज़ादी की लड़ाई के हुई, तो मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। तो मैं यहाँ के एक डेलीगेशन को बुलाऊंगा भी कि वो जेपीसी के सामने भी अपनी जज्बात दिखा रखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, एक बेहतरी के लिए, जिस पर्पजेज के लिए है, उस पर्पजेज में उसका पूरा इस्तेमाल एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, गरीबों के लिए, आम पसमानदा के लिए, या बहनों के लिए, खवातीनों के लिए, या बच्चों के लिए हो, वही रहेगा। और इसमें कोई ये नहीं है कि वक्त की प्रॉपर्टी कहीं सरकार लेगी या कहीं कोई और लेगा, बिल्कुल वक्त की प्रॉपर्टी वक्त ही रहेगी, उसको और बेहतर एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए ये कानून बनाया जाए। सर अभी आप इन